नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो, आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। जिला पंचायत चुनाव के टिकट बेचे जाने के आरोपों को लेकर भाजपा कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। नाराज कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर रुपए लेकर अपने चहेतों को टिकट दिलाने और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रदेश में अब तक एक ही पार्टी पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज भाजपा कार्यालय पर जिस तरह कार्यकर्ताओं ने खुलेआम आरोप लगाए उसे देखकर लोग दंग रह गए। आपको बता दें कि भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य पद पर पार्टी सिंबल से प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी के सत्ता में होने से टिकट के लिए लंबी कतार लगी है। आज लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि समर्पित कार्यकर्ताओं के बजाय रुपए लेकर दूसरों को टिकट बेचे जा रहे हैं, जबकि वह लोग पार्टी नेतृत्व के आदेश पर हर कार्यक्रम में जुटे रहते हैं। हर चुनाव में वह लोग सक्रिय भूमिका निभाकर पार्टी को वोट दिलाते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपेक्षा कर रहे हैं। बरल से पहुंची महिला कार्यकर्ता ने भी खुलकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुर्दाबाद के नारे लगाए उसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। चूंकि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ ना मैं किसी के लिए टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं इसी भारतीय जनता पार्टी में 2015 में भी इन लोगों ने टिकट बेचने के काम किए थे जिला पंचायत के, आज भी हर सीट पे कहीं झांसी से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, स्थानीय प्रत्याशी, कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कार्यकर्ता केवल फट्टा बिछाने के लिए होता है, विधायकों जिलाध्यक्षों के रिश्तेदार ही चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पना राजपूत। कहाँ से आई आप? बरल से। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं? जो कार्यकर्ता लोग वगैरह हैं हम लोग, तो हम लोगों की कहीं सुनवाई हो रही नहीं रही, और जहाँ जो टिकट है तो इसकी मानरबाजी हो रही है। हर कहीं टिकट बेचने का धंधा खोल लिया है सभी लोगों ने। कौन बेच रहा है टिकट? छतपाल जी हैं, जो उनने हैं तो उनने भी, और जो जिला अध्यक्ष हैं जमुना प्रसाद जी हैं तो उनने भी यही धंधा खोल रखा है टिकट बेचने का। हर कहीं पैसे दो और टिकट ले जाओ। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? आपसे पैसे मांगेगा क्या? पैसे मांगे नहीं गए, यही तो बात है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया हमने। जो पहले से टिकट के पैसे खाए बैठे हो तो वो रिस्पॉन्स क्या देंगे? कुछ नहीं दिया हमने। और जो भाजपा लेडीज फर्स्ट फर्स्ट करती है ऐसा कुछ नहीं है, लेडीजों को हमेशा पीछे ढकेला जाता है। जब भी कोई महिलाओं का मंच होता है उसमें भी पुरुष आगे धक्का मुक्की करके आगे आ जाते हैं। आज यही मेरी जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमारी जी के साथ भी हुआ है। उनको पहले टिकट की घोषणा की थी, उसके बाद उनको कुछ बातें बना के पीछे कर दिया गया है। वो भी मानसिक रूप से परेशान है। ये बात अलग है कि वो बड़े पद पर हैं और वो बात कहना नहीं चाहती, पर हम लोग छोटे स्तर पर हैं, गाँव गाँव जाके गला हम कटवाते हैं, लोगों के लिए बुरा हम बनते हैं। देश में ऐसी ऐसी पार्टियाँ कठिन है।